Hello guys, you are watching Seva Learning and you can also visit us on www.sevalearning.in. You can also contact on WhatsApp and you can call us directly. So today I am going to tell the approximately 2 to 3 news also, and very important news. So please, I am requesting to all of you, please watch the video till last for your benefit only. The first news is that राउंड टू ऑप्शन एंट्री फॉर कर्नाटका इज स्टार्टेड. मतलब आप राउंड टू का ऑप्शन एंट्री या फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है वो कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ से करना है आपको? www.settoline.karnataka.gov.in को विजिट करिए और वहाँ से आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे. इस नोटिफिकेशन पे बाद आप ये क्लिक करेंगे, ऑप्शन एंट्री फॉर कर्नाटका मेडिकल डेंटल यू जी सेकेंड राउंड 2018. नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू गिव योर सीईटी नंबर एंड देन गिव द कैप्चा. ओके, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए होंगे तो वहाँ पे आपको एक सीईटी नंबर मिला होगा, वो सीईटी नंबर यहाँ यूज होगा. नाउ यू कैन डू द ऑप्शन एंट्री और चॉइस फिलिंग. ओके, ये आपका पहला न्यूज था. ठीक है, दूसरा न्यूज क्या है कि अब मॉपअप राउंड भी जल्दी यहाँ पे शुरू होगा. आज कल में मॉपअप राउंड शुरू होगा, तो जो लोग सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार रहेंगे. ओके, जल्दी शुरू होगा. ठीक है, आज या कल में वेबसाइट के साथ एक्टिव रहिएगा. तीसरी न्यूज ये है कि आप लोग ये वैकेंसी आ गई है, राउंड वन के बाद जो वैकेंसी है वो आ गई है. ठीक है, तो राउंड टू के लिए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वैकेंसी के हिसाब से करिए. जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हो उस कॉलेज को मोर प्रेफरेंस दीजिए और पहले दीजिए. ठीक है, ये देखिए सीट अवेलेबिलिटी इन डेंटल और ये सीट अवेलेबिलिटी इन मेडिकल मानी MBBS. सो हर कॉलेज की आप वैकेंसी देखिए, जैसे आप देख सकते हैं SGMC बेंगलोर, इसमें वैकेंसी सीट है 103, टोटल वैकेंसी है 526. ओके, और ये आपकी डेंटल में है 1027 टोटल वैकेंसी. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि आप लोग वैकेंसी ऑफ सीट देखिए. ठीक है, कितनी सीट वैकेंस है उसके बाद से चॉइस फिलिंग करिए. ये आपकी थी न्यूज नंबर थर्ड. आइए अब दूसरे न्यूज पे चलते हैं. वो क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA टू कंडक्ट JEE Main एंड NEET. क्या है कि 2019 से या फिर 18 से ही सितंबर या फिर लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर दे आर गोइंग टू स्टार्ट NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. पूरे भारत में अप्रॉक्सीमेटली 3000 एजेंसीज होंगी जो आपको एग्ज़ाम देने के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे. ठीक है, तो आप उस सेंटर पे जाके अपने एग्ज़ाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, कि ताकि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के दौरान कोई दिक्कत ना हो. प्लस मे बी वो एक ऐप भी लॉन्च करें, मोबाइल ऐप, उसके थ्रू आप अपने लोकल एरियाज में आपके रीजन में आप देख सकते हैं कि कोई NTA सेंटर है कि नहीं या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है कि नहीं, जिसमें कि भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपए लगाया है और ये जल्द ही एक्टिव हो जाएगा. तो आई थिंक ये सबके लिए बेनिफिट होगा, हर बच्चे के लिए, ताकि उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो. ये न्यूज़ था 2019 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी लोग ड्रॉप कर रहे हैं या फिर जो न्यू अपीयरिंग स्टूडेंट हैं. ओके, आपका चौथा या पाँचवा न्यूज है, चौथा न्यूज है कि उत्तर प्रदेश BMS में कितनी सीटें हैं. ठीक है, कितनी गवर्नमेंट सीट हैं, कितनी प्राइवेट सीट हैं. तो देखिएगा उत्तर प्रदेश BMS, BHMS, सीट स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स. BMS के गवर्नमेंट सीट हैं टोटल 320 और प्राइवेट सीट हैं टोटल 3870, ओवरऑल 4190 सीट हैं. BHMS की जो सीटें हैं वो 300 हैं, प्राइवेट में 200 हैं और 500 ओवरऑल है. BUMS की सीट है 80 सीट, 650 प्राइवेट है और 730 टोटल है. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है. जिन लोगों के मार्क्स कम हैं, ठीक है,
या फिर बी और बजट भी कम है, वो BMS, BHMS और BUMS के बारे में सोच सकते हैं, और स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। आइए इनके रैंक के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी है जिसका 250 to 400 मार्क्स होगा, ठीक है, और रैंक इतने से इतना होगा, ठीक है, ठीक है। और OBC के लिए है 200 to 350, और रैंक ये है। SC के लिए 150 to 300, 50,000 to 182,000, ठीक है। ST के लिए है 120 to 200, मतलब अगर आपका इतना मार्क्स है नीट स्कोर, तो आपको बहुत आराम से ये ओपन के लिए है, ये OBC के लिए, SC के लिए, ये ST के लिए, ठीक है। आपके लिए BMS, BHMS और BUMS मिलना कोई टफ बात नहीं है, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बहुत इजीली पा सकते हैं और लो बजट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मैं आपको आज 4 न्यूज़ बताया, 4 न्यूज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर कोई जैसे ही अपडेट आता है तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ जस्ट कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग एंड कीप लाफिंग। हैव अ नाइस डे।